तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच थर्ड T20 मैच, जी हाँ दोस्तों, इस मैच में क्या हमारी टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी या फिर आयरलैंड की टीम कमबैक करेगी, उलट फिर करेगी, इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन यदि आप अब तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं थे तो अभी जाइए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ, टेलीग्राम के लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि कल और परसों वीडियो नहीं आई थी, और कल यदि आप हमारे टेलीग्राम पे होते तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच था वो जैकपॉट मिल जाता था, और द 100 लीग का मैच भी आपको जैकपॉट पास मिल जाता था। कल 2 out of 2 पास हमने दे दिए थे और कल जैकपॉट हमने हासिल किया था टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे। तो अभी जाइए और टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं आज के मैच की। 23 अगस्त आज की डेट है, और दोस्तों इंडिया और आयरलैंड की दो टीमें हैं। दिन की बात कर लूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, तो बुधवार आज का दिन है। यदि बात करते हैं आज के लकी नंबर की, तो 5 जो है आज का लकी नंबर है और दिन आज का बुधवार है। यदि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जो स्वामी है वो शुक्र स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट टीम इंडिया को। यदि बात करते हैं इंडिया का लकी नंबर वो 3 है और आज का लकी नंबर 5 है, तो नेगेटिव पॉइंट टीम इंडिया को। यदि बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, इनका जो है दोस्तों जसप्रीत बुमराह का शनि स्वामी है, इनका शनि स्वामी होने के साथ ही यहाँ पे आज बुध स्वामी के साथ पॉजिटिव पॉइंट जसप्रीत बुमराह को जाएगा। इनका लकी नंबर 6 है जो कि पॉजिटिव पॉइंट लेकर के आता है। यदि बात करें इंडिया को, यदि इंडिया को 4 out of 3 पॉजिटिव पॉइंट है। आयरलैंड क्या कहता है, मंगल स्वामी नेगेटिव पॉइंट लकी नंबर 3, आज का लकी नंबर 5 नेगेटिव पॉइंट, पॉल स्टर्लिंग बुध स्वामी पॉजिटिव पॉइंट, और लकी का लकी नंबर 3 अगेन नेगेटिव पॉइंट। यानी कि आज आयरलैंड के पास भी 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, यानी कि जो टॉस विनर है वो हमारी हो सकती है टीम इंडिया। एक और बात कह दूं कि 2 T20 मैच हुए, दोनों में हमारे टॉस पास हुए थे, पहले मैच में आयरलैंड, सेकेंड मैच में इंडिया, दोनों ही टॉस हमारे पास हो गए थे। यदि बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ द विलेज डब्लिन में मैच होने वाला है, जहाँ पे कहते हैं कि बैटिंग फर्स्ट जो टीम करती है रितर मैचेस को जीत जाती है। यदि बात करते हैं एवरेज स्कोर की, 185 का है एवरेज स्कोर, हाई स्कोरिंग गेम आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो। यदि बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों टॉप परफॉर्मर की, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिंकू सिंह का बल्ला। देखिए सेकंड में मैंने कहा था रिंकू सिंह चलेंगे, और सेकंड मैच में भी रिंकू सिंह चले थे। तो संजू सैमसंग, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, एंड्रू बॉलबिर्नी और हैरी ट्रैक्टर, ये होंगे हमारे टॉप 5 खिलाड़ी जो कि बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी पॉइंट्स आपको लाके दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैच विनर के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आने वाला है एशिया कप। तो एशिया कप में लगातार प्रॉफिट आपको अर्न करना है, क्योंकि देखिए एशिया कप हमारा बहुत बेस्ट जाता है। लास्ट एशिया कप के 13 मैच में से 11 मैच पास दिया था मैंने, और फाइनल के 7 फाइनल कहा था, इंडिया और पाकिस्तान और लंका का फाइनल था। सारे जो चैनल्स थे, सारे जो टेलीग्राम चैनल थे, सभी लोगों ने पाकिस्तान को एशिया कप का चैंपियन कह दिया था, बट हमारा एक चैनल था जिसने कहा था कि श्रीलंका एशिया कप को जीत जाएगा, और लंका ने ही एशिया कप जीता था। तो इस कारण कहता हूँ कि एशिया कप आने वाला है, अभी जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे इस यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ल्ड कप की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, एशिया कप की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से प्रॉफिट अर्न करना है तो टेलीग्राम और इस यूट्यूब को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। विनर की बात करते हैं, हमारी टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले को भी अपने नाम करने वाली है। तो वीडियो को देखने धन्यवाद, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना अपना राय और अपने तो टॉप परफॉर्मर भी दे दीजिए। धन्यवाद।